दोस्तों, मैं स्मिता श्रीवास्तव आपके समक्ष वसुंधरा कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम सभी माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। पिता का स्थान हमारे जीवन में बहुत खास होता है। पिता हमारे आदर्श होते हैं और उन्हीं से हम अपने व्यक्तित्व और मानस का विकास करते हैं। उनके सिखाए गए रास्ते पर चलकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक बेटी के लिए एक पिता उसका संबल होता है, उसका आधार होता है। बेटियां भी पिता के दिल के बहुत बहुत करीब होती हैं। यशोधरा भटनागर जी द्वारा लिखित कहानी संबल, मेरी जुबानी। मैं हूँ स्मिता श्रीवास्तव। आईने में अपना चेहरा देखा, आंखें सुर्ख लाल हो आई थी, नीले निशान लिए चेहरा सूज गया था। धीरे से बाएं गाल को सहलाया। विवाह के 6 महीने भी तो नहीं हुए, क्या हालत हो गई है मेरी। फिर रुलाई फूट पड़ी, यहां कितनी अकेली हो गई हूं मैं, मुझे समझने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं। हमेशा ही जब भी मैं परेशान होती थी, पापा से शेयर कर लेती थी और पापा के पास भी मेरी हर समस्या का इलाज होता था। फिर शादी के बाद मैंने पापा को अपने से दूर क्यों समझ लिया। जब पापा को फोन लगाया, हेलो बिट्टी, कैसी है मेरी गुड़िया। पापा की आवाज में वही प्यार झलक रहा था। मैं एकदम फपक फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ बिट्टी, रो क्यों रही हो मेरी बच्ची। घबराहट के कारण पापा की आवाज तेज हो गई। पापा पापा शब्द गले में फंस गए। कैसे कहे कि सुधीर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सुधीर ने उस पर हाथ उठाया, उसे घर से निकल जाने को कहा और पता नहीं और क्या क्या कहा। बिट्टी मेरी बच्ची, बता तो क्या बात है, तेरा पापा हमेशा तेरे साथ है। वह सुबकती रही। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर याद हो आया कि अच्छा घर बार देखकर कितनी परेशानियां उठाकर पापा ने अपनी इंजीनियर बिटिया के लिए संभ्रांत परिवार के पुत्र इंजीनियर सुधीर को अपना दामाद बनाया। अच्छा वर ढूंढने में उनके जूते घिस गए और उसे ब्याहने में उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया। जी पापा, मैंने फोन रख दिया। मेरे अंदर का डर, घबराहट, सब कुछ कम हो गया, खत्म हो गया। पापा मेरे साथ हैं, पापा का मजबूत हाथ मुझे थामे हुए है। अपनी डायरी में से वही तस्वीर हाथ में ले ध्यान से देखने लगी। नन्ही सी, नन्हे कदम बढ़ाती मैं, पापा का हाथ थामे सड़क पार कर रही थी। नहीं, पापा की सिर्फ एक उंगली मेरे नन्हे हाथ में समाई हुई है और मेरा चेहरा कितना बेपरवाह और खुश दिख रहा है। लव यू पापा। आपकी इंजीनियर बिटिया आपका संबल पाकर जिंदगी का यह मोड़ भी पार कर लेगी। पापा की तस्वीर चूमकर मैं बुदबुदाई। ये कहानी आपने सुनी, इसका शीर्षक है संबल। लेखिका है यशोधरा भटनागर जी और स्वर है मेरा, मैं स्मिता श्रीवास्तव। धन्यवाद। एक पिता और एक बच्चे के बीच एक बहुत गहरी बॉन्डिंग होती है। पिता अपने बच्चों का पहला हीरो होता है और एक आदर्श भी होता है। एक पिता अपने कर्तव्यों की चादर ओढ़कर अपने शौक को भूल जाता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे, उसका परिवार खुश रहे। दोस्तों, अपने पिता के साथ रहिए, पूरा आदर सम्मान कीजिए, दिन भर में एक बार उनसे बात जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।